मूवी की शुरुआत में एक स्पेसशिप डैमेज हो रहा होता है। यहाँ पर एक लड़की अपनी टीम से बात कर रही होती है जो कि धरती पर है, और बात करते हुए बताती है, हमने जिस चूहे पर टेस्ट किया है अब वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया है। यहाँ पर सब लोग मारे गए हैं। इसकी टीम का मेंबर कहता है, तुम धरती पर वापस आने से पहले सारे सैंपल्स ले आओ, तभी हम बाहर के गेट का दरवाजा खोलेंगे। फिर ये साइंटिस्ट सैंपल्स को लेने जाती है और 3 सैंपल्स रख लेती है। इसके बाद स्पेसशिप ब्लास्ट होने में कुछ समय बचा होता है, तभी ये बड़ा सा चूहा जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था ये इस साइंटिस्ट के पास आ रहा होता है। ये साइंटिस्ट बचकर दरवाजे के पास पहुंचती है, फिर इसकी टीम दरवाजा खोल देती है और ये एक स्मॉल स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाती है, फिर इसे चालू करती है। वहीं ये चूहा शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी ये स्पेसशिप से अलग हो जाती है और बड़ा वाला स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इस स्पेसशिप का शीशा टूट जाता है और ये जलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो जंगल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे होते हैं और गोरिल्ला को दूर से देखते हैं। फिर इस मूवी का मेन कैरेक्टर डेविस एक गोरिल्ला से इशारों में बात करके उसे शांत कराता है, तभी पीछे से एक वाइट गोरिल्ला आता है जिसे देखकर ये गोरिल्ला चिल्लाने लगता है। वहीं डेविस का एक साथी घबराकर भाग रहा होता है और गिर जाता है। ये ब्लैक गोरिल्ला डेविस के साथी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वाइट गोरिल्ला इसे बचा लेता है। फिर डेविस इस वाइट गोरिल्ला को शांत कराता है जिसका नाम जॉर्ज है, और इशारों में कहता है, ये ब्लैक गोरिल्ला नया नया आया है, तुम्हें इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। देन जॉर्ज इसके साथ फन करता है। इसके बाद डेविस घर जा रहा होता है और रात में आसमान से एक सैंपल जॉर्ज के पास गिरता है, वहीं दूसरा एक जंगल में लोमड़ियों के पास गिरता है और तीसरा नदी में। जॉर्ज इस सैंपल के पास आता है, इसमें से गैस निकल रहा होता है और जॉर्ज इससे प्रभावित हो जाता है। सेम ऐसा ही एक लोमड़ी के साथ होता है और तीसरा सैंपल एक मगरमच्छ खा लेता है। फिर सुबह डेविस को खबर मिलती है कि जॉर्ज को कुछ हुआ है और वो अपने साथी के साथ जॉर्ज से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर एक भालू की लाश होती है जिसे जॉर्ज ने मारा है। डेविस जॉर्ज से इशारों में बात करता है, फिर इसे इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरी साइड कुछ अजीब सा हुआ है। डेविस वहाँ जाता है, यहाँ पर एक सैंपल होता है और डेविस इसे उठा लेता है। इसके बाद एनर्जीन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम क्लेयर है और ये इस कंपनी की ओनर होती है। वहीं ये शख्स इसका भाई है और स्पेस में जानवरों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन्हीं की वजह से चल रहा था जो कि इल्लीगल है। फिर क्लेयर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनका सैंपल धरती पर गिरा है और उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए ये अपनी प्राइवेट आर्मी को भेज देती है। इसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर कैट है और ये एनर्जीन कंपनी में पहले काम करती थी। ये न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कल स्पेसशिप में ब्लास्ट हुआ, उसका कुछ हिस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास गिरा है और एक गोरिल्ला भाग गया है। फिर ये डेविस से मिलने के लिए निकलती है। दूसरी ओर क्लेयर के लोग सैंपल ढूंढ लेते हैं और बताते हैं ये सैंपल ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है और यहाँ कई लोमड़ियों की लाशें हैं जिसे देखकर लग रहा है इन्हें किसी और लोमड़ी ने मारा है। तब क्लेयर कहती है लगता है उस सैंपल से वो लोमड़ी प्रभावित हो गया है और इन लोगों को उस लोमड़ी को पकड़ने के लिए कहती है चाहे जिंदा या मुर्दा। फिर हमें डेविस का सीन दिखाया जाता है और ये जॉर्ज की हेल्थ रिपोर्ट चेक कर रहा होता है जिससे पता चलता है इसकी जीन्स में कुछ गड़बड़ हुई है। इसका साथी कहता है जॉर्ज ने उस भालू की गर्दन माचिस के तिल्ली की तरह तोड़ दी, अब ये वो जॉर्ज नहीं है जिसे हम जानते थे। डेविस कहता है अगर ये बात अथॉरिटी को पता चलेगी तो वो इसे मार देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर ये अपने स्टाफ से इस सैंपल के बारे में पूछता है कि ये क्या है, किसी को इसके बारे में पता है? तभी डॉक्टर कैट आती है और ये डेविस को इस सैंपल के बारे में बताती है कि इस सैंपल से उस गोरिल्ला का साइज बढ़ रहा है और वो गुस्से में आ रहा होगा। फिर डेविस इसे जॉर्ज के पास ले जाता है और बताता है कल रात इसने एक भालू को मार डाला जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर माने जाते हैं। फिर डॉक्टर कैट कहती है ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है, हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के जीन्स को कंबाइंड किया है तब जाके ऐसे सैंपल्स बनाए हैं, इसीलिए इसका साइज बढ़ रहा है और ये खतरनाक हो रहा है। फिर अचानक से जॉर्ज पिंजरा तोड़कर बाहर भाग जाता है। डेविस भी इसके पीछे पीछे भागता है और इसे शांत कराने की कोशिश करता है। इतने में पुलिस आ जाती है और ये पुलिस वालों से कहता है मैं इसका ट्रेनर हूँ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम करता हूँ, आप लोग अपनी गन नीचे रख लीजिए, ये गन से बहुत डरता है, मैं इसे शांत कराता हूँ। डेविस इसको शांत करा रहा होता है तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें बैठे लोग
जॉर्ज पर शूट कर देते हैं और ये बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर क्लेयर के लोग उस लोमड़ी को ढूंढ रहे होते हैं और वो दिख जाता है। फिर ये बंदा इस लोमड़ी को शूट कर देता है और ये लोग नीचे उतरकर उस लोमड़ी को ढूंढते हैं। तभी अचानक से ये लोमड़ी एक बंदे को मार देता है और क्लेयर ये सब देख रही होती है और कहती है, ये लोग उस लोमड़ी को नहीं मार सकते क्योंकि उस पर हमारे सैंपल का असर हो चुका है। फिर ये लोमड़ी सभी को मार देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर डेविस और कैट को ले जा रहे होते हैं। तभी एक मेन ऑफिसर आता है और इनसे कहता है, साइंस एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और एक बड़ा सा गोरिल्ला बाहर निकल गया। इस तरह की चीजें हमारी नजरों में आ ही जाती हैं। फिर कुछ पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहता है, इनको उस गोरिल्ला के साथ बिठा दो। ये लोग जॉर्ज के साथ बैठे होते हैं। वहीं डेविस जॉर्ज में एक चीज नोटिस करता है और कहता है, इसके जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए। देन डॉक्टर कैट कहती है, अफ्रीकन चूहे के डीएनए में जख्म को जल्दी भरने की शक्ति होती है, सो उसी का डीएनए इसकी बॉडी में है। तब वो मेन ऑफिसर आता है और डेविस से कहता है, तो तुम एक गोरिल्ला ट्रेनर हो और फौज में भी काम कर चुके हो, इसके अलावा तुम और कहां कहां काम करते हो। डेविस कहता है, ये बकवास बंद करो, तुमने जॉर्ज को प्लेन में लाकर गलती करी, वो बहुत खतरनाक है। देन ये ऑफिसर कहता है, हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, वो तब तक नहीं उठेगा जब तक हम ना चाहे। फिर ये बताता है, एक और ऐसा जानवर घूम रहा है, 300 फीट का लोमड़ी। इसके बाद हमें क्लेयर और इसके भाई का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर का भाई कहता है, एक गोरिल्ला भी उस सैंपल से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसे पुलिस पकड़कर प्लेन से कहीं ले जा रही है और उनके साथ डॉक्टर कैट भी है। क्लेयर बात करते हुए कहती है, ये डॉक्टर कैट जिसे हमने अपनी कंपनी से निकाल दिया था, ये पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही होगी क्योंकि हमने इसके भाई को मार दिया था। हमें इसके भाई के साथ साथ इसे भी मार देना चाहिए था। ये हमसे अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस से मिली है। फिर ये अपने भाई को बताती है, हमने उन सैंपल्स में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे वो जानवर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से यहाँ खींचे चले आएंगे, फिर चाहे उनके रास्ते में कुछ भी आए वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए आएंगे। इसका भाई कहता है, वो गोरिल्ला तो प्लेन में है, फिर तो वो प्लेन को क्रैश करके यहाँ आ जाएगा। तब क्लेयर कहती है, अगर लोमड़ी इधर आया तो आर्मी उसे मार देगी और हम उसके डीएनए का सैंपल हासिल कर लेंगे। फिर इसका भाई कहता है, और उस सैंपल्स को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। इसके बाद क्लेयर मशीन चालू कर देती है जिससे सिग्नल फैलने लगता है। धीरे धीरे ये सिग्नल लोमड़ी, क्रोकोडाइल और जॉर्ज के पास पहुँचता है। वहीं लोमड़ी और क्रोकोडाइल उस कंपनी के टावर के पास जाने लगते हैं जहां से सिग्नल आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बंधा होता है और ये सिग्नल मिलते ही पिंजरा तोड़कर तोड़फोड़ करने लगता है। पुलिस वाले इस पर फायरिंग करते हैं लेकिन जॉर्ज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और ये सबको मारने लगता है। तब तक डेविस हाथ खोल लेता है, फिर प्लेन क्रैश होने लगता है। डॉक्टर कैट भी अपने हाथ खोल लेती है। फिर डेविस और डॉक्टर कैट पैराशूट का बैग लेते हैं। डॉक्टर कैट प्लेन से निकल जाती है लेकिन डेविस इस ऑफिसर को बचाने के लिए रुकता है और इसे पैराशूट बैग पहनाकर इसके साथ प्लेन से बाहर निकलता है और इसी तरह ये अपनी जान बचाकर नीचे उतरते हैं। फिर ये सब जॉर्ज को ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलता क्योंकि वो मरा नहीं था, सिर्फ घायल था और यहाँ से भाग गया है। ये ऑफिसर कहता है, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, जब पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलेगा गोरिल्ला प्लेन क्रैश में बच गया तो वो तुमसे सवाल करेंगे। फिर डॉक्टर कैट कहती है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो एनर्जिन कंपनी में जाओ, वहाँ हमसे ज्यादा जानकारी मिलेगी। ये ऑफिसर कहता है, हमारी एफबीआई की टीम वहाँ गई है। वहीं एफबीआई की टीम एनर्जिन कंपनी में पहुँच जाती है और इस कंपनी में चेकिंग करना शुरू कर देती है। फिर क्लेयर इनसे झूठ बोलते हुए कहती है, हमें अफसोस है कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हमारे लैब में हुआ, ये सब डॉक्टर कैट कर रही थी, हमें नहीं पता था कि वो इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट हमारे लैब में करती थी, और ये इसी तरह सारा ब्लेम डॉक्टर कैट पर डाल देती है। फिर हमें इस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है और ये अपनी टीम से कॉन्टेक्ट करके यहाँ से ले जाने को कहता है। वहीं डेविस डॉक्टर कैट को जॉर्ज के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे जॉर्ज एक गाड़ी के नीचे मिला, इसकी माँ को शिकारियों ने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया ताकि इसकी बॉडी को बेच सके, और जॉर्ज सबसे डिफरेंट गोरिल्ला है जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है, वो शिकारी जॉर्ज को भी मार देते लेकिन मेरी टीम पहुंच गई और मैंने उन शिकारियों को गोली मार दी और जॉर्ज को अपने साथ ले आया, इसीलिए मैं जॉर्ज को सबसे अलग रखता हूँ। फिर डॉक्टर कैट अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि उसने एक क्रिस्पर नाम की दवाई बनाई
थी ताकि वो खत्म हो रहे जानवरों को बचा सके जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इसका भाई बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा इसके भाई के बचने के चांस नहीं है, लेकिन डॉक्टर कैट जानती थी कि क्रिस्पर दवाई से ये अपने भाई की जान बचा सकती है। फिर ये एनर्जीन कंपनी में काम करने लगती है और जो भी इसने चीजें बनाई जिससे ये अपनी भाई की जान बचा सके उसका यूज एनर्जीन की ओनर यानी क्लेयर ने खतरनाक डीएनए हथियार बनाने के लिए किया। इसीलिए डॉक्टर कैट ने उन सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया और इसे जेल में भिजवा दिया। जेल में जाने के एक महीने बाद इसके भाई की मौत हो गई। फिर डेविस और डॉक्टर कैट मिल जाते हैं ताकि क्लेयर किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद इन्हें एयरबेस में ले जाया जाता है। यहाँ मिलिट्री का हेड सिचुएशन पर नजर रखता है और साथ ही साथ अपनी टीम से कांटेक्ट करता है। वहीं लोमड़ी और जॉर्ज शिकागो नाम के शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि गोरिल्ला और लोमड़ी एक ही डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं और शिकागो की तरफ ही क्यों जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कैट कहती है इन्हें बुलाया गया है, एनर्जीन कंपनी में मैंने बैट के डीएनए पर काम किया था और ये उसी का असर है। क्लेयर इन्हें सिग्नल भेज रही है जिसे रोकने के लिए इनके रास्ते में जो भी कुछ आएगा ये सबको उखाड़ फेंकेंगे और उस सिग्नल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। फिर डेविस कहता है आपको शिकागो शहर खाली करा देना चाहिए, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्हें आपकी गोलियां या टैंक्स नहीं रोक सकती। देन मिलिट्री का हेड ऑफिसर कहता है हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है और इन दोनों को यहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि कुछ देर बाद एफबीआई की टीम डॉक्टर कैट और डेविस से इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर आर्मी के लोग इन दोनों को ले जा रहे होते हैं और कुछ देर बाद डेविस इन आर्मी के लोगों को मारता है और बेहोश कर देता है। वहीं एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है लेकिन इसका दरवाजा लॉक होता है। तब तक ये हेड ऑफिसर आ जाता है और कहता है यहाँ का हेलीकॉप्टर चुरा कर भागने की कोशिश कर रहे हो। फिर डेविस कहता है ओ कम ऑन यार, जॉर्ज ने एरोप्लेन की क्या हालत की, ये लोग अभी उसकी ताकत नहीं जानते। डॉक्टर कैट कहती है क्लेयर ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल हथियार नहीं बनाएगी जिसे वो कंट्रोल ना कर सके, उसके लैब में कुछ तो ऐसा होगा जिससे उन जानवरों को ठीक किया जा सके। इसके बाद ये ऑफिसर इनके साथ मिल जाता है और इनको चाबी दे देता है। फिर कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद डॉक्टर कैट और डेविस हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। डेविस आर्मी में भी काम कर चुका होता है इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी का हेड ऑफिसर जॉर्ज और स्लोमड़ी पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। फिर इसकी आर्मी हमला कर देती है लेकिन ये दोनों हमले के बाद भी जिंदा होते हैं और इन सभी आर्मी को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग शिकागो को खाली कराने को कहते हैं क्योंकि अब ये लोग स्पेशल बॉम्ब से उन जानवरों को मारेंगे और यही बात ये ऑफिसर डेविस को बता देता है। वहीं ये जानवर गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है 50% से ज्यादा लोग शिकागो शहर को खाली कर चुके हैं। तभी एक लेडी ऑफिसर कहती है नदी में कुछ अजीब सा है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये क्रोकोडाइल होता है क्योंकि शुरुआत में एक सैंपल नदी में गिर गया था और क्रोकोडाइल ने इसे खा लिया था। फिर क्रोकोडाइल नदी से बाहर निकलता है और प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। डेविस डॉक्टर कैट से कहता है आर्मी इन्हें नहीं रोक पाएगी, हमें इसका एंटीडोट लाना ही होगा। दूसरी ओर ये ऑफिसर आर्मी के हेड ऑफिसर से कहता है तुम्हें सोचना चाहिए, हमारी आर्मी के सबसे खतरनाक बॉम्ब को अपने ही देश में यूज करने जा रहे हो, बहुत तबाही होगी और एनर्जीन कंपनी के सबूत भी मिट जाएंगे। मेरी एक टीम एनर्जीन कंपनी की तरफ गई है इसका एंटीडोट लेने के लिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी आर्मी का हेड ऑफिसर इसकी बात मानने से इनकार कर देता है और इसे बाहर भेज देता है। फिर ये ऑफिसर शिकागो जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर ये दोनों एनर्जीन कंपनी में पहुंच जाते हैं। ये ऑफिसर डेविस को बताता है कि अगले 30 मिनट के अंदर शिकागो में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। वहीं दूसरी ओर क्लेयर और इसका भाई यहां से भागने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी क्लेयर डॉक्टर कैट को देख लेती है और इन दोनों को एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन तब तक क्लेयर और इसका भाई आ जाते हैं। इतने में डॉक्टर कैट एक सैंपल अपनी जेब में छिपा लेती है। फिर क्लेयर डॉक्टर कैट से एंटीडोट मांगती है और डेविस को गोली मार देती है और डॉक्टर कैट को अपने साथ बंदूक के दम पर ले जाती है। दूसरी ओर ये तीनों जानवर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। फिर क्लेयर इसका भाई और डॉक्टर कैट भी ऊपर आ जाते हैं। क्लेयर डॉक्टर कैट से कहती है मैं सोच ही रही थी इस खतरनाक डीएनए प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करेंगे, लेकिन अब तुम मिल गई, अब तुम हमारे लिए काम करोगी। इसके बाद अचानक से जॉर्ज आ जाता है और क्लेयर का भाई डर कर भाग जाता है। वहीं ये दोनों भी भाग रहे होते हैं। फिर जॉर्ज हेलीकॉप्टर गिरा देता है और ये डॉक्टर कैट के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी डेविस इसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जॉर्ज इस सिग्नल को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं डेविस और डॉक्टर कैट वॉल के पीछे छिपे होते हैं।
डॉक्टर कैट डेविस को एक एंटीडोट के बारे में बताती है जिसे इसने छिपा लिया था। फिर जॉर्ज को एंटीडोट कैसे दें इसके लिए ये दोनों प्लान बनाते हैं। तब तक क्लेयर इन्हें देख लेती है और वो इन्हें बंदूक के दम पर यहाँ से निकलवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक से डेविस जॉर्ज को आवाज लगा देता है। वहीं डॉक्टर कैट क्लेयर के पर्स में ये एंटीडोट डाल देती है और एक पंच मारती है। फिर पीछे से जॉर्ज इसे उठाकर खा जाता है और क्लेयर के साथ साथ एंटीडोट भी इसके अंदर चला जाता है। दूसरी ओर इसका भाई नीचे भाग रहा होता है, तभी ये ऑफिसर इसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे सबूत दे दो फिर यहाँ से मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्लेयर का भाई सबूत दे देता है और कहता है, ये सब मेरी बहन ने किया है। फिर ये यहाँ से निकल रहा होता है, तभी बिल्डिंग का हिस्सा इसके ऊपर गिर जाता है और ये मारा जाता है। फिर ये ऑफिसर यहाँ से निकलता है। दूसरी ओर क्रोकोडाइल भी ऊपर आ रहा होता है, वहीं ये लोमड़ी भी आ जाता है। इसके बाद ये बिल्डिंग गिरने वाली होती है। डेविस और डॉक्टर कैट हेलीकॉप्टर में बैठकर इसे उड़ाते हैं, फिर पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, साथ ही इनका हेलीकॉप्टर भी। हर जगह धुआं धुआं होता है। वहीं ये दोनों बच जाते हैं और बाहर निकलते हैं। इनके पीछे जॉर्ज खड़ा होता है और अब ये पहले जैसे डेविस के कंट्रोल में है क्योंकि इसके अंदर एंटीडोट चला गया था। डेविस डॉक्टर कैट से कहता है, तुम जाकर उस ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करो, अब वही है जो यहाँ पर बमबारी रुकवा सकता है, और उनसे कहना यहाँ पर बहुत से लोग हैं। फिर डॉक्टर कैट यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डेविस और जॉर्ज इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। वहीं क्रोकोडाइल इस लोमड़ी को दबोच लेता है और इसे उठा उठा कर पटकता है, फिर इसका सिर खा जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर कैट एयरबेस पर पहुंच जाती है और बमबारी को रुकवाने के लिए इसके साथ जाती है। डेविस इस क्रोकोडाइल पर फायरिंग करता है, फिर जॉर्ज क्रोकोडाइल को मारता है। दूसरी ओर ये ऑफिसर मिलिट्री के हेड ऑफिसर को बमबारी ना करने के लिए कहता है और ये भी बताता है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। थोड़ी लड़ाई के बाद डेविस नीचे गिर जाता है और क्रोकोडाइल इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जॉर्ज इसे बचा लेता है। लेकिन क्रोकोडाइल इसे उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है और इसके सीने में बड़ी सी लोहे की रॉड घुस जाती है जिससे जॉर्ज की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं डेविस एक हेलीकॉप्टर से क्रोकोडाइल पर शूट करने लगता है, फिर मिसाइल छोड़ता है, लेकिन फिर भी इस क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता और ये डेविस को खाने वाला होता है। तभी जॉर्ज लोहे की रॉड से इसकी आंख फोड़ देता है और इसे मार देता है। दूसरी ओर ये ऑफिसर बमबारी ना करने का ऑर्डर दे देता है। फिर हमें जॉर्ज का सीन दिखाया जाता है, ये बहुत ज्यादा जख्मी होता है और थोड़ी देर बाद ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं। सबको लगता है जॉर्ज मर गया, लेकिन अचानक से ये अपनी आंख खोलता है और सबको सरप्राइज कर देता है, ये सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। फिर डेविस के साथ ये मजाक करने लगता है और इसी तरह जॉर्ज सबकी जान बचा लेता है। फिर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।